वित्त मंत्रालय ने कहा कि आप हर विधानसभा के चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खोल सकते और उसकी फाइल की नोटिंग्स हम आपको भेज रहे हैं, बट आई ओनली वॉन्ट टू रीड ए लाइन देयर फ्रॉम। 3 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ये कहता है कि इस प्रकार से कुछ हो नहीं सकता संशोधन और इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं हो सकते, पर 10 अप्रैल को वही वित्त मंत्रालय रिकॉर्ड करता है एंड आई कोट, पीएमओ डिजायर टू ओपन ए स्पेशल 10-day विंडो फॉर इश्यूएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। However, as per para 8.2 of the notification on the electoral bond scheme 2018, an additional 30-day window could be specified only in case of general elections to Lok Sabha. At this stage, such a special window with general election to Lok Sabha is far away, may not be in consonance with the notification. परंतु जैसा आदरणीय आनंद शर्मा जी ने बताया, वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी जिन्होंने पहले उसे खारिज किया था कहा कि नहीं, अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो कर दीजिए, तो कानून रद्दी की टोकरी में और प्रधानमंत्री की गैर कानूनी हिदायत सही। और फिर अक्टूबर नवंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव से पहले एक बार फिर लिख के यही उल्लंघना हुई है, उनकी फाइल की नोटिंग हम जारी कर रहे हैं।